वन सेकेंड वेलकम टू ऑल इन माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 11 डे 6। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे और स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा था फिर से कि मेरे प्यारे बच्चों, आप फैमिली मेम्बर्स के तरह आप जैसे मतलब कि जब चाहे तब आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो डाउट हो तो उसको डाउट को दबा कर नहीं रखना है, उसको आपको निकालना है। जो डाउट है उसको पूछना है, उसको बाहर निकालिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि प्रॉब्लम होती है पर बोलते नहीं हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके लिए पूरे आप इससे पूरा फ्रीडम है आप कि आप जब कभी चाहे, जब टाइम मिले तब आप पढ़िए, और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो जरूर पूछिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 132 जो चैप्टर 11 का पेज नंबर 132 में देखें, प्रीवियस वीडियो में हम टेबल बदलाए थे किस किस का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो अगर आप टेबल अगर याद कर चुके हैं तो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आप इजी में पूरा कर लेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है उसमें क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और उसको क्या कर रहा है पता है, 2 का टेबल है। तो 2 का टेबल कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद क्या है, 3 का टेबल कंप्लीट करना है, उसके बाद क्या है, 4 का टेबल कंप्लीट करना है, फिर 5 का। तो मुझे उम्मीद है कि आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए होमवर्क में लिख लीजिए पेज 132, डू पेज नंबर 132 कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 133 पर। पेज नंबर 133 पे तो कुछ क्वेश्चंस हम इसका आपको बताएंगे, तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बोर्ड पर लिख देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं, मुझे वो लग रहा है कि आप लोग भी कंप्लीट कर लिए होंगे। इसका आंसर किसको पता है, जिस बच्चे को भी पता है बोलिए, कमेंट करिए, नहीं पता है तो बोलिए कि नहीं जानते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके नहीं जानते, अगर जानते हैं तो बताइए 7 5 का क्या होगा। तो 7 5 का क्या होता है, 7 5 जा तो आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से करिए ना 5 7 जा उल्टा कर लीजिए, क्योंकि 5 का टेबल याद है आपको, 5 का टेबल याद है, तो 5 7 जा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। थ्री सिक्स जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 3 6 जा। अरे बोले तो बोलिए फिर से बोलिए, 18 लिख दीजिए ना 18, 6 2 जा, अब 6 2 जा तो नहीं पता है, क्या आप कहेगा कि सर 6 का टेबल नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, 2 का टेबल से बोलिए 6 बार, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 गल, यही हो गया सही, ठीक है, समझ गए। तो कितना हो गया, देखिए 7 5 जा 35 या 5 7 जा 30 3 6 जा 18 2 6 जा 2 गल, समझ गए। इसी तरीके से तो आप पेज नंबर 132 देखिए, तो पेज नंबर 132 को क्या करिएगा, बना कर ये लाइएगा, पेज नंबर 132 133, फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिएगा। अब तो फ्रीडम है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।